हेलो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मिनटों में बन जाने वाली मिठाई है। तो चलिए देखते हैं सिसलिशियस कुकिंग डिलीशियस फूड बाय सिस्टर्स। ये गोंद कतीला है, मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसे 2 कप पानी में आप इसे रात भर के लिए सोक कर लीजिए। कम से कम 4-5 घंटे तो इसे भीगना होगा ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। क्योंकि ये हेल्दी मिठाई है तो मैंने यहाँ पर मिश्री का यूज़ किया है। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप इस तरीके से गोंद को पीस सकते हैं, ये जल्दी ही 10 मिनट में फूल जाता है। और मिश्री को भी मैंने पीस लिया है। अब एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि दूध जले नहीं। अब 1 लीटर दूध इसमें डालकर हमको फास्ट फ्लेम पर इसे पकाना है, क्योंकि हमें इसे रबड़ी बनानी है। रबड़ी बनाने के लिए आप दूध फुल फैट का ही यूज़ कीजिए। अब हाई फ्लेम पर इसे चलाते रहिए और पकाते जाइए। इसे चलाना बहुत ज़रूरी है वरना दूध जल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से साइड में चम्मच चलाते जाएं और इसे पकाते जाएं। देखिए, अब दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। गोंद कतीला, जिनके मुंह में छाले आते हैं या पेट में गर्मी होती है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब हम यहाँ पर 1/4 कप मिश्री मिलाकर इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा और कितनी अच्छी हमारी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें मैं एसेंस मिलाऊंगी 1/4 टीस्पून। बस अब ये रेडी है। एसेंस मिला के 2-3 मिनट पकने दीजिए और हमारी रबड़ी तैयार है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। गोंद में 3 टेबलस्पून मिश्री मिला लीजिए, उसकी आप मिठास चेक कर लीजिए। अगर आपको ये मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। एक प्लेट में गरम दूध ले लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून मिश्री डाल दें और उसे मिला लें। मिश्री को मिलाते रहिए ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। हमें ब्राउन ब्रेड लेना है, 3 स्लाइस मैंने यहाँ लिया है और इसके साइड को कट कर दीजिए। इस पर मैंने घी अप्लाई किया है, ये गाय का घी है और ये होममेड है। इन ब्रेड के स्लाइस को हमें सेकना है गोल्डन ब्राउन होने तक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कम चीज़ों में झटपट से बनने वाली मिठाई है और ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। घी लगाकर इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन हमें सेकना है। अब ब्रेड को चेक करते हैं, इसे फ्लिप कीजिए। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बाकियों को भी इसी तरीके से टर्न कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमने दूध लिया था उसमें इन ब्रेड को अच्छी तरीके से डिप करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर इसे सर्विंग बोल में आप रख दीजिए। बाकी भी स्लाइस हम इसी तरीके से डिप कर लेंगे। दूध की मिठास आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीन चार चम्मच इसके ऊपर दूध और मिला लें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए रबड़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब रबड़ी को इन स्लाइस के ऊपर अच्छे से डालकर हमें इवनली पूरा फैला लेना है। पूरी तरीके से फैला लीजिए, बाकी का भी इसमें मिक्स कर दें। अब इस पर गोंद डालकर इसे इवेनली स्प्रेड कर लीजिए। देखिए कितनी फटाफट हमारी मिठाई रेडी हो चुकी है। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ता डाला है। आप इसे फ्रीज़र में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि ये चिल्ड हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। वाव, माशाल्लाह कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। आप इसे ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। बच्चे बड़े ये सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। आई एम श्योर आप एक बार इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब ये सेट हो चुकी है, अब इसके पीसेस हम करके आपको सर्व करके बताते हैं।
ये देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट, कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे फैमिली में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।